फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जस्ट कूल डाउन। आज मैं आपको नोड जे एस कहाँ से डाउनलोड करें, कैसे इंस्टॉल करें और नोड जे एस क्या है इसके बारे में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। नोड जे एस डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर नोड जे एस कीवर्ड सर्च करना होगा। जो पहला लिंक आएगा वहाँ पर आप क्लिक कीजिए। लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करने के लिए जस्ट आपको यहाँ क्लिक करना है। आपके पास लेटेस्ट वर्जन 16 लेटेस्ट चल रहा है, अब ये डाउनलोड हो जाएगा। ये एक सेटअप फाइल MSI फाइल डाउनलोड होती है। मेरे पास लेटेस्ट 16 है और उससे ओल्डेस्ट वर्जन 14 है, तो मैं 14 वाले को इंस्टॉल करूँगा अपने सिस्टम में। मैं 16 को भी कर सकता हूँ लेकिन मुझे 14 की रिक्वायरमेंट है। अभी दोनों सेटअप सेम ही तरह से इंस्टॉल होंगे, इंस्टॉलेशन प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है। जस्ट एक जैसे कोई भी छोटा मोटा सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं उसी तरह से ही इंस्टॉल हो जाएगा। बस नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करना है, हमें कहीं कोई और चेंज नहीं करना है। ऑटोमेटिकली इंस्टॉल नेसेसरी टूल्स जो भी होंगे उसको इंस्टॉल कर लेगा, ये साथ में इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। या मेरा इसने डिटेल मांगी, मैंने इसको सबमिट किया और ये इंस्टॉलेशन ज़्यादा नहीं, मुश्किल से एक मिनट का ये प्रोसेस है और ये इंस्टॉल हो जाएगा हमारे सिस्टम में। नोड जेएस इंस्टॉल करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। चलिए जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ कि नोड जो एस आखिर है क्या। देखिए, नोड जो एस यहाँ पर हमारा इंस्टॉल हो चुका है। नोड जो एस हैज बीन कम्प्लीट इंस्टॉल्ड, फिनिश, डन। इसको क्लोज कर देंगे। आइए अब हम चेक कर लेते हैं हमारे सिस्टम में नोड जो एस प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है या नहीं। इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका, कमांड लाइन ओपन कीजिए और यहाँ पर लिखिए नोड -v। इस कमांड को रन करने के बाद हमें उस नोड का जो वर्जन हमने इंस्टॉल किया था वो यहाँ पर शो हो जाएगा। इसका मतलब है हमारे सिस्टम में नोड जेएस इंस्टॉल हो चुकी है। जान लेते हैं नोड जेएस क्या है। देखिए, पहले एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। नोड जेएस इज नॉट अ लैंग्वेज। नोड जेएस कोई लैंग्वेज नहीं है। इट इज़ फ्री ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट कोड। एक्चुअली ये एक जावास्क्रिप्ट का कोड है जो हमारे लिए बिल्कुल फ्री है। इसमें हम कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओपन सोर्स है, मीन्स हम अपना भी कोड यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नोड जे एस कैन कनेक्ट DB विथ डेटाबेस। एक्चुअली नोड जे एस हमें फैसिलिटेट करती है कि हम जे एस के थ्रू सर्वर पर डेटाबेस कनेक्शन, फाइल सिस्टम, ये सब वर्क कर सकें, जबकि हमें जावास्क्रिप्ट में ये फीचर्स अवेलेबल नहीं थे। कोड सिंटैक्स वेरी सिमिलर विद जावास्क्रिप्ट। एक्चुअली प्रॉपर तरीके से सेम नहीं है सिंटैक्स, बट लगभग काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं, क्योंकि कोड तो ओवरऑल हमें जावास्क्रिप्ट में ही लिखना होता है, क्योंकि नोड जे एस वर्क इंटरनली जावास्क्रिप्ट पर ही करती है। कोड एग्जैक्टली सेम नहीं है, प्रोवाइड करती है सर्वर साइड एनवायरनमेंट बनाने के लिए। एक्चुअली नोड जे एस होती ही सर्वर पर रन है, चूँकि हमें फैसिलिटेट किया है उसने हम सर्वर साइड वर्क कर सकें नोड जे एस पर, तो वो सर्वर का सारा काम हम नोड जे एस के थ्रू कर सकते हैं। और नोड जे एस यूज़ करती है V8 इंजन। V8 इंजन क्या है? एक्चुअली V8 इंजन को हम ऐसा समझ सकते हैं जैसे हम पहले C++ में कोई कंपाइलर यूज़ करते हैं कोड को रन करने के लिए, वैसे ही नोड जे एस V8 इंजन, क्रोम्स का V8 इंजन है जिस पर रन होती है। इसे हम ऐसे समझते हैं कि नोड जे एस एक सर्वर साइड का एनवायरमेंट है,
जहां पर जावास्क्रिप्ट का कोड रन होगा, लेकिन जावास्क्रिप्ट से एडवांस, बिकॉज मैंने पहले ही आपको बताया है कि नोड जेएस पर हम डीबी एंड फाइल सिस्टम का कोड करते हैं, जो कि केवल जावास्क्रिप्ट में पॉसिबल नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर नोड जेएस के बारे में पता चला होगा, नोड जेएस है क्या, उसको कैसे इंस्टॉल किया हमने ये आपने सीख लिया, कहाँ से डाउनलोड किया ये आपको पता चल गया। तो यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। यदि कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट में शेयर कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताने का पूरा पूरा कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।